एंड गाइस सिड का लाइक टू गिव यू गाइस एन अपडेट. आई थिंक सिड भाई ने चीज डिस्कस भी करी है. इज फोकसिंग ऑन हिज चैनल व्हिच आई थिंक इज ग्रेट. ही हैज गिवन 10 12 इयर्स टू ई स्पोर्ट्स, हैज हैड अ वेरी सक्सेसफुल रन, बट ही हैज रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ. ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इज ग्रोइंग ऑल्सो, सो ही माइट वॉन्ट टू फॉर यू नो फोकस ऑन थिंग्स दैट एस्टैब्लिशेज हिम बेटर फिनेंशियली, गिव्स हिम अ मोर स्टेबल करियर. सो एट एसएटीएल वी कंप्लीटली रिस्पेक्ट हिज डिसीजन एंड somewhat freed him from the responsibilities of IQ Soul, but like you know he has done great in what he has done, so he'll always be there. Matlab, but I am loving Sid as a content creator and I believe that if that's his choice because of his circumstances responsibilities then we should respect it. And baki SETL mein hi apna ghar hi hai uska, to koi baat nahi hai. Theek hai, hence Sid as of now like he told me he is not coming to Hyderabad and I think usse same baat mein fans ko bola. वाई आई टुक दैट डिसीजन एकदम स्पेसिफिकली मैं आपको बताता हूँ. मेरे को कुछ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है. मंडे को आई फाउंड आउट कि मैंने एक ऐसा गलती मेरे से हो गया था जिसके वजह से ज़्यादा नहीं 1-1.5 लाख रुपए का थोड़ा सा इशू हो गया था. मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना गलती से फॉर्म फिल करते टाइम गलत नंबर किसी को भेज दिया था, तो उसका जो है थोड़ा सा 1-1.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया था. मैंने थक भाई को बताया, मैं बोला थक भाई बोले अरे फकीर जाने दो. मैं सर भेंचोद क्या कर रहा हूँ, मैं ना मैं कॉन्टेंट कर रहा हूँ और ये भी चुतिया पे कर रहा हूँ. मैं बोला थक भाई तो कुछ बोलेंगे नहीं, गोल्डी भाई कुछ बोलेंगे नहीं, मॉन्टल कुछ बोलेंगे नहीं. मैं बोला कि एक काम करते हैं ना, एक अच्छे चीज़ पे फोकस करते हैं, क्योंकि मेरे को मेरा फ्यूचर भी थोड़ा सा सॉर्ट करना है. मेरे को मेरा है ना, मतलब ज़िंदगी भर मैं कंपेरेटिव फील्ड में रह के नहीं रह सकता. और इतना ज़्यादा मेरे को फोकस मेरा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था ना दोनों चीज़ों में, कि मैंने सोचा कि माइट एज वेल स्टेप डाउन एट द हाई ऑफ माई करियर ऑन माई ओन टर्म्स रैदर देन बिकमिंग अ लाइबिलिटी फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन. मैं सोचा मैं आपको एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक मैंने एकदम क्लियरली बताया नहीं था, ये डिसीजन मैंने मंडे को ही ले लिया था, बट मैं सोचा कि आके एकदम क्लियरली आपको बता देता हूँ, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड वी आर वेरी आंसरेबल टू फैंस. एंड आई फिगर्ड कि फैंस को बताना जरूरी है कि क्यों मैंने ऐसा डिसीजन लिया और क्यों मेरे दिमाग में ये चीज़ आई. एसएटीएल के वजह से मेरे को नई जिंदगी मिली थी और मेरी मौत भी एसएटीएल के साथ ही होगी. तो एसएटीएल तो छोड़ के मैं कहीं जा नहीं रहा, ना कभी जाऊँगा. अगर बर्बाद होऊंगा तो इधर रह के बर्बाद होऊंगा, अगर बहनचोद लाइफ सॉर्ट करूंगा तो इधर रह के ही सॉर्ट करूंगा.